महीने में छठी बार कर्नाटक दौरे पर मोदी। मांड्या में बोले, कांग्रेस मेरी कब्र खोदने में व्यस्त है, मैं एक्सप्रेस वे बनाने में मस्त। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे 5 लाख लोग, प्रदर्शनकारियों का साथ दिया तो पुलिस चीफ बर्खास्त। हैदराबाद में सीआईएसएफ का 54वां स्थापना दिवस, केंद्रीय गृह मंत्री ने की शिरकत, कहा देश की प्रगति में सीआईएसएफ का बहुत बड़ा योगदान है। रूस से सुखोई फाइटर जेट खरीदेगा ईरान, ईरानी डिप्लोमेट ने SU-35 डील की जानकारी दी। यूक्रेन जंग में रूस इस्तेमाल कर रहा ईरानी ड्रोन। जम्मू कश्मीर में अवैध बिजली कनेक्शन पर एक्शन, पूर्व सीएम आजाद, भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना समेत कई की बिजली कटी। थाईलैंड में एयर पॉल्यूशन से खतरा बढ़ा, एक हफ्ते में 2 लाख लोग अस्पताल में भर्ती, घरों से ना निकलें और N95 मास्क पहनने की सलाह। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने अदीस अबाबा से मुंबई पहुंचे 3 विदेशी नागरिकों से 3 किलो सोना जब्त किया। एयर इंडिया की फ्लाइट में अमेरिकी यात्री ने सिगरेट ली, प्लेन का दरवाजा खोलने की कोशिश की, क्रू मेंबर्स ने हाथ पैर बांध कर बैठा दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार दौरे पर हिसार में बनने वाले एयरपोर्ट का हवाई सर्वेक्षण किया, एयरपोर्ट पर चल रहे कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। पाकिस्तान यूएन में कश्मीर का मुद्दा नहीं उठा पा रहा, विदेश मंत्री भुट्टो बोले इसके पीछे भारत की डिप्लोमेसी। H3N2 से बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिला रहे अलर्ट, अस्थमा, लिवर, हार्ट अटैक और डायबिटीज पेशेंट को ज्यादा खतरा। महिला बोली, पति ने सतीश कौशिक की हत्या की साजिश रची, उसी के फार्म हाउस पर पार्टी में गए थे सतीश, पुलिस ने जांच शुरू की। शेयर बाजार पर भी सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस का असर, अमेरिकी बाजार 2% लुढ़के, सेंसेक्स भी 1.1% गिरा। सऊदी अरब में नमाज के दौरान लाउडस्पीकर पर रोक, रमजान के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, कहा दावतों के लिए चंदा नहीं मांगे। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म, विराट कोहली ने बनाए 186 रन, टीम इंडिया 571 पर ऑल आउट।